बिहार बैक पर स्वागत है यार रिएक्शन वीडियो में। और आज देखिए कौन है इंडिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा पैसा छापने वाले, जो लोग बिल्कुल मशीनी खड़ा कर रखी है पैसा छापने की घर पे, गेमर्स कौन है वो। और कल अपने केस्ट वाले चैनल पे एक बेहतरीन वीडियो आने वाली, सो यस गो सब्सक्राइब इट विल बी गुड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो आने वाली है जेएस ऑल इन वन, और आओ देखें कौन कितना है टॉप पे। और टॉप पे अगर मैं गेस करूं मेरे ख्याल से कैरी होना चाहिए, पर कैरी इतना एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव बाकी लोग हैं, तो उनका एडसेंस रेवेन्यू ज्यादा होगा। लेकिन लेट अस सी वाली है तो ट्रिको भाई को भी हल्के में ले सकते हैं। टॉप 10 रिचेस्ट गेमर्स के बारे में, ये महीने का कई लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज हम इंडिया के 10 सबसे रिचेस्ट गेमर्स पर बात करेंगे, और पर मंथ इनकम सुनकर आप दंग रह जाओगे। पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, सबका ना बस ये गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप अरे देसी गेमर्स भाई, भाई की तो शादी भी हो गई है, बेहतरीन है मामला। देखते हैं नंबर 10 पर कौन आता है। नंबर पर आते हैं देसी गेमर्स। देसी गेमर्स वीडियोस देखना, फ्री फायर मनी, फ्री फायर कैश, भाई ने शादी पे उड़ा दिया होगा आधा पैसा, बेहतरीन शादी करने में। गेमर्स को जरूर जानते ही होंगे। देसी गेमर्स, आई एक्चुअली लाइक हिम, जब मैं फ्री फायर में घुसा था, ही इज अ गुड गाय गाइस, आई एक्चुअली लाइक हिम वेरी मच, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। ज्यादातर लोग इन्हें अमित भाई के नाम से ही जानते हैं। यस अमित भाई, आई 14.4 मिलियन से भी ज्यादा फाड़ पैसा है। ज्यादातर ये फ्री फायर एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम पे, सोचो वहाँ पे ना ऐसे शुरुआत, उस वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे टॉप क्रिएटर 10 मिलियन का है, मतलब अब तो खैर 10 से भी नीचे हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर शुरुआत ऐसे होती है, नीचे से शुरुआत होती है कि भाई 5 मिलियन, ये छोटा यूट्यूबर एक और नल्ला, 5 मिलियन है इसके पास, ऐसे शुरुआत होती है फ्री फायर में। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाला चलता ही रहे भाई मामला। वीडियो अपलोड करते हैं इस गेम के, इस गेम पे ये गेम। और गाइस क्या तुम्हें भी बीजे भाई क्लासिक मोड खेल के मजा सा नहीं आ रहा, और तुम भी 50,000 डेली जीतना चाहते हो टूर्नामेंट्स खेल के? तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड ऐप है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स है, प्लस ये 8 करोड़ तक की विनिंग्स ऑलरेडी बांट चुके हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये कि आपको कई सारे टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, खासकर इंस्टेंट टूर्नामेंट, जहाँ पे वेटिंग टाइम 0 होता है। और इस ऐप में कस्टम रूम्स खेलने की भी कोई जरूरत नहीं, अपना नॉर्मल क्लासिक खेलो, और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपकी किल और पोजीशन डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो ऐसे रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना बहुत आसान है, और सो स्ट्रॉन्ग ऐप का एंटी चीट बेस्ट इंडस्ट्री में। तो सो स्ट्रॉन्ग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखी, आप फटाफट डाउनलोड करो, क्योंकि पहले 1,000 लोगों को मिलेगा 600 रुपए का बोनस, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल सकते हो और पैसे जीत सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और सबसे बढ़िया बात यह कि आप जो भी पैसे जीतोगे, आप उसको आराम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई से फटाफट विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, फटाफट सो स्ट्रॉन्ग डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और डेली पैसे जीतो। बात करें तो देसी गेमर यानी कि अमित भाई अपने YouTube चैनल और स्पॉन्सरशिप से महीने का करीब 20 लाख से 25 लाख रुपीस तक, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीक टाइम में तो इस चीज से भी पार जाता होगा, कर लेते हैं 25 तो कम बता रहे हो, पार जाता होगा। में इनकी नेटवर्थ तो $2 मिलियन तक के पहुंच गई है, $2 मिलियन हाँ होगी होगी, हमारे इंडियन रुपीज में 16 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 9 पर आते हैं स्काउट। स्काउट भी आज स्काउट टॉप गेमर में, स्काउट वाइड स्पॉन्सरशिप से दाब के पैसे लिए होंगे, है इनके चैनल पर 4.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो, एडसेंस का इतना वो नहीं होगा, लेकिन डील्स के हिसाब से बेहतरीन होगा मेरे ख्याल से। पबजी एंड व्लॉग जैसे कंटेंट अपलोड करते हैं, स्काउट का लेंथन में सिंह है। तो आइए बात करते हैं स्काउट की पर मंथ इनकम के बारे में। स्काउट के कई इनकम सोर्स है जहाँ से काफी मोटा पैसा कमा रहे हैं, नहीं पर हम बस गेम वाले को कंसीडर करेंगे ना। स्काउट पर मंथ तो अप्रोक्स 25 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। घर देखो भाई का, इनकी स्काउट का हाउस रिव्यू नहीं किया यार, अरे व्यूज छूट गए, अरे तब मैं ध्यान नहीं दे रहा था रिएक्शन पे, अरे यार। तो 2.5 मिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 20 ज्यादा होगा, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होगा। नंबर 8 पर आते हैं अनमोल जायसवाल, इन्हें तो आप सब शायद अच्छा, इन भाई का तो बहुत वो है सिस्टम मेरे ख्याल से, इधर उधर ये ट्रैवल व्लॉगर एंड बिजनेस मैन, तो ट्रैवल का है शायद, एंड गेमर भी है। इनके चैनल पर आज 2.9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर,
इसका बड़ा सीन है मेरे भाई। इनके पास और भी चैनल्स है जिस पर लाखों में सब्सक्राइबर है। अनमोल जायसवाल के पास आज कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी है, लेकिन अप्रोक्स ये इसका मैं कुछ कह नहीं सकता कितना है, लाख से भी ज्यादा अर्न कर लेते हैं। मेरे को इनका पता नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में गाइस कितना है कितना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग सबका एक्यूरेट था तो एक्यूरेट ही होगा क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे इनकम सोर्स है। और 2024 में इनकी नेटवर्थ 2.8 मिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है, करोड़ रुपीस में 22 करोड़ रुपीस होते हैं, यानी कि मैं कहां होऊंगा गाइस इस लिस्ट में यार, तुम तू कर दो यार कुछ यार, मैं मेरे को पता दो टॉप 10 रिचेस्ट गेमर्स इन इंडिया टॉप 1 केस डू, इस नल्ले ने 100 चैनल खड़े कर दिए, ऐसा कब दिन आएगा यार, कोई ना आएगा देखेंगे। नंबर 7 पर आते हैं ट्रिगर्ड इंसान, जिसे आप ट्रिगर भाई, अरे ट्रिगर भाई की भी एंगेजमेंट हो चुकी है, यस एंगेजमेंट की क्लिप है, लीक का रियल नेम निस चेम, पीछे लड़की जेलस हो गई भाई को देख के। इनके दो यूट्यूब चैनल है, एक ट्रिगर्ड इंसान और एक है लाइव इंसान। इनके ट्रिगर्ड इंसान चैनल पर दो चैनल है, अरे आंटी का भी चैनल तो है, 1 मिलियन से भी ज्यादा, और फैमिली में तो बहुत सारे दाब के चैनल है गाइस, अभिषेक का है, फिर रिगो भाई का है, फिर आंटी का भी है, फिर शायद बहन का भी, पता नहीं मेरे को बहुत है, मामला बहुत फैला हुआ है, रोस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। कितने कितने सब्सक्राइबर है, 21 मिलियन, पर आज 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं जहां पर ये गेम पे, और गेम वाले भी 11 मिलियन, अरे इतना पैसा छाप लगा रहे तो सोच सकते हैं, फैन बेस भी काफी तगड़ा है। ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय मलान अपने सब यूट्यूब चैनल, शादी हो चुकी है भाई की, कांग्रेचुलेशंस, करीब 30 लाख से 40 लाख, अंडरस्टैंडेबल कर लेते हैं, और हो सकता है एक्यूरेट हो सकता है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ 24 में इनकी नेटवर्थ तो आज 3.5 मिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है, जो कि हमारे ज्यादा है यार, ये कम बता रहे हैं, 28 करोड़ कुछ भी नहीं है, इसमें 28 करोड़ रुपीज होते हैं, यानी कम बता रहे हैं करोड़ रुपए। नंबर 6 पर आते हैं गेमर फिलिट, गेमर फिलिट का रियल नेम अंशु बिष्ट है, इनके इस भाई के भी तो बहुत चैनल है मेरे ख्याल से, और इसमें सब्सक्राइबर है। गेमर फिलिट आज इंडिया के टॉप और बेहतरीन गेमर में से एक, माइनक्राफ्ट का आधा पैसा गेमर में से भी एक है, ये एक व्लॉगर भी है, इनके व्लॉग को भी काफी लोग पसंद करते हैं, पर मेरे ख्याल से ट्रिगू ऊपर होगा पैसों के मामले में गेमर फ्लिट से, लाइक जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरा आईडिया है, महीने का करीब 30 से 40 लाख रुपीस अर्न ओप कर रहे हैं, क्या बराबर पता नहीं यार, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, करीब 2 से 5, मैं इतना क्लोजली फॉलो नहीं करता कि इन दोनों को ना, तो मतलब ऐसे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे को बीजेपी वालों का पता होगा वोटा वोटा, पर ऐसे इनमें कहना मुश्किल है, लेते हैं और इनकी 2024 में करीब 4 मिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 32 करोड़ रुपीस। ये देखो बस बच्चों की पब्लिक कम थोड़ी है, बच्चों की कोई कमी नहीं है, पैसा व्यूज, बच्चों तो मेरी भी वीडियो देख लिया करो। लोकेश गेमर आज इंडिया के टॉप 5 गेमर में से एक है, इनके चैनल पर आज 15.6 मिलियन से भी ज्यादा पैसा हो चुके हैं, ये अपने चैनल पर गेम। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हें मैं एक बात बताऊं अंदर की, गरीना वाले फ्री फायर वाले जो फ्री फायर की वीडियोस बनाता था ना, कुछ ऐसा नहीं, जो फ्री फायर की वीडियोस बनाता था उनको पैसे देते हो, तो सोच रहे हो, मतलब समझो जैसे मैं बीजेवाई की वीडियो बनाता हूँ तो बीजेवाई मेरे को मंथली सैलरी देगा, ऐसा गरीना वाला करते थे, और ये मेरे को पता है, मुझे नहीं पता कितना कितना देते थे, इतना मैं जाऊंगा नहीं, पर पहले देते थे, अब बैन के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो फिर हम आते बीजेवाई में, ये मुंह पे मारते, पहले मारते थे मुंह पे 360 UC, मैं रॉयल पास देके वीडियो बना लियो, आजकल ये 9000 मारने लगे हैं यूसी पर, वही है अब यूसी का 9000 UC। फ्री फायर वाले तुम्हें पता है, मैं फ्री फायर में गया था जब मैं वीडियो बनाई थी, मैं क्रिएटर कुछ वीडियो मैंने नहीं डाली, उन लोग ने मेरे को 10,000 डायमंड तो ऐसी दे दी कि भाई ले तू कर ले कुछ बना ले कंटेंट करके, ऐसी दे दी थी फिर मतलब, और एक कैरेक्टर भी फ्री दिया था, पता नहीं वो ऋतिक रोशन वाला कैरेक्टर, समझ लो वो उनका ना गेम प्लान पता है क्या था, उनका गेम प्लान ये था कि यार हम क्रिएटर्स को दे देंगे डायमंड, क्रिएटर्स नल्ले ओपनिंग करेंगे, लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो हर कोई ओपनिंग करेगा, उनका एट द एंड फायदा था। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बीजेएमआई में साला हम लोग ही ओपन करते हैं, क्रिएटर्स लोग अपना पैसा डाल के हम लोग ही ओपन करते हैं क्रिएट्स को, और हम ही लोग करते हैं ओपन, ज्यादातर लोग नहीं करते ओपनिंग, समझ रहे हो, ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत कर देंगे। अब अगर सोचो तुम हर एक क्रिएटर कर रहा हो तो ओपनिंग ले फाड़ रखी है वो ओपनिंग, तो बाकी लोग भी देखते हैं कि यार ये भी ओपनिंग कर रहा है, बाकियों का मन करता है, पैसे की बर्बादी है गेम में पैसा डालना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, झूठ बोलूंगा, लेकिन इससे ना दिमाग में होता था कि यार ये भी खोल रहा है बढ़िया ये खोल लेते हैं, अभी तो ये सीन होता, अब साला हमें ही पैसे डालना पड़ता है अपने उसमें, समझ नहीं पाता यार, इनकी स्ट्रेटेजी ना बहुत गड़बड़ रह गई। फ्री फायर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तुम देखते, जैसी पबजी बैन हुआ था भाई,
उन्होंने सबको खरीद लिया, सारे पबजी क्रिएटर्स को खरीद लिया भाई, सारे। मां कसम ये थे भाई मास्टर माइंड थे ये लोग, बाप लोग थे। गरीना वाले ना बहुत बाप कंपनी थी भाई, मैं तो इज्जत करता हूँ भाई दबा के। और आगे बढ़ते लेट्स मूव ऑन एंड व्लॉग जैसे कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आइए देखते हैं इनकी पर मंथ इनकम के बारे में। लोकेश गेमर अपने अभी तो बहुत कम होगी ब्रांड स्पॉन्सर से मिलाकर ये महीने का करीब 40 लाख से भी ज्यादा। इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी क्योंकि अभी फ्री फायर नहीं है। रुको मेरे को व्यूज देखने दो। तो गाइस मैंने लोकेश गेमर का चैनल खोल रखा है 1 day ago 52k, 4 day ago 36k व्यूज, 4 day ago 38k, 7 day ago 82k। तो मतलब इतना तो नहीं है इनकम, अभी ऊपर नीचे होता रहता है इस समय पर, इतना तो नहीं है। मेरे को पता है ब्रांड डील से ज्यादा पैसे आते हैं, लेकिन ब्रांड डील भी तभी आती है जब व्यूज आ रहे हो, तो ऐसा सीन रहता है। ये पहले का होगा, पहले का होगा, मैं तो इससे कई ज्यादा होगा पहले का, पर अभी तो नहीं मेरे भाई, इससे कई 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 ज्यादा होगा अभी नहीं। लेकिन जहां तक मेरा 4.5 मिलियन फ्री फायर वालों का डामाडोल है अभी पूरे जो बहुत ज्यादा टॉप है। और गाइस तुम्हारा भाई कर रहा है इस बार भी दो रॉयल पास का गिवअवे, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो सो स्ट्रांग ऐप को, स्क्रीनशॉट लो और मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दो, बस दो लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके मैं रॉयल पास दे दूंगा। हमारे इंडियन रुपीज में 36 करोड़ रुपीज होते हैं, यानी कि 36 करोड़ रुपए। नंबर फोर्थ पर आते हैं एज गेमिंग, जिसे आप एज गेमिंग के नाम से जानते हैं, असल में उनका सारे फ्री फायर वालों ने डोमिनेट कर रखा है। फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, ठीक है, और एक बंदा है अपना बीजीएमआई वाला स्काउट, बस टॉप 5 के सारे फ्री फायर वाले और माइनक्राफ्ट। बता दो इनके चैनल पर आज 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। छाप रखे इनके पास 11 से भी ज्यादा चैनल्स हैं, जिस पर छाप रखे हुए सब्सक्राइबर है, जहां से काफी मोटा पैसा कमा रहे हैं। और इनकी पर मंथ की ये गेम खेल के लुक एट द टैप गेम, लुक एट द टैप गेम। मैं खेला, मैं भी ट्राई किया, लेकिन मैं काफी लेट था गाइस उसमें जाने में। तो एस गेमिंग यानी कि साहिल राणा अपने सब यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड और मेरे से गेम समझ नहीं आया, मेरे को आज तक ये गेम समझ नहीं आया कैसे खेलना है। मैं बंदों से लड़ रहा हूँ, बॉट से लड़ रहा हूँ, कुछ पता नहीं भाई, ये अंटपंट गेम है। सिर्फ से महीने का करीब 50 लाख से भी ज्यादा अर्न अभी तो नहीं होगा, और 2024 पीक टाइम पे होगा, अभी तो बहुत मुश्किल है। इनकी नेटवर्क तो 5 मिलियन यूएस डॉलर, मैं इतना क्लोजली फॉलो नहीं करता, पर जितना मोटा मोटा आइडिया अभी मुश्किल है, इतना पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज में 40 करोड़ रुपए होते हैं। और इनके पास काफी तगड़ा कास्ट का भी कलेक्शन है, हो सकता है। नंबर थर्ड पर आते हैं टोटल गेमिंग, टोटल गेमिंग थर्ड पे वन पे कैरी है फिर इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर वन गेमर है। इनके चैनल पर आज मेरे को भाई की एक डील लीक हो गई थी, पर मैं बताऊंगा 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इनके पास करीब 10 से भी ज्यादा चैनल है जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और इन्होंने अभी फेस रिवील किया है, तो इनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, जिसे काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं टोटल गेमिंग आज महीने का कई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके अलग अलग इनकम सोर्स है, जहां से काफी मोटा पैसा कमा रही है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, महीने का करीब मिलाकर 70 से 80 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और इनकी नेटवर्क टोटल का भी इतना पूरा वो नहीं हुआ है, फ्री फायर से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 2024 में पहले तो भाई बंदा 3 वीडियो डालता था एक दिन की, जब मैं फ्री फायर खेलता था वीडियो बनाने के लिए, और तीनों में मिलियन पार, सोचो तुम 3 वीडियो, और स्ट्रीम करता था भाई। इस बंदे ने जो ग्राइंड किया ना, मेरी फटके हाथ में थी 6 मिलियन यूएस डॉलर की ग्राइंड पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडियन 48 करोड़, इससे काफी ज्यादा हुआ। इसमें 48 करोड़ रुपीज होते हैं, यानी कि 48 करोड़ रुपए। उसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं टेक्नो गेमर्स। अरे मैं कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मेरे पे मेरे दिमाग में कैरी बचा है, पर एक और कॉर्नर में सोच रहा था, लेकिन पर मेरे ख्याल से पता नहीं यार। तो गेमर और यूट्यूबर में से एक है, इनके चैनल पर आज 37 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर दोनों के सेम है, गरीना वाले उसको पैसे देते थे, तो मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं। और शायद जब तक के एपिसोडों को देखोगे तब तक ये और भी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो आइए नजर डालते हैं टेक्नो गेमर्स यानी कि उज्ज्वल चौरसिया के पर मंथ इनकम। गाना भी बना रखा है भाई ने, उज्ज्वल चौरसिया की पर मंथ की इनकम ये टेक्नो गेमर से अलग ही लग रहा था भाई, 80 लाख रुपए तक होती है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये महीने का मैं आपको बता दूं ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए करीब रेडबुल भी तो है बंदे पे, और रेडबुल भी है क्या यार, मेरे को मैं ऐसे हल्का सा फेडेड था दिमाग में कि हाँ रेडबुल का सीन है कुछ, पर अभी मैं देख रहा हूँ तो फिर याद सा आ रहा है कि 10 लाख रुपए तक के चार्ज जो करते हैं। और इनकी नेटवर्क तो आज 2024 में 7 बिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज में 56
करोड़ रुपीस होते हैं, यानी कि 56 करोड़ रुपए। गाने कितने बनाए? फर्स्ट पर आते हैं कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी आज इंडिया का तो मेन चैनल से सीन है, प्लस स्पॉन्सरशिप वगैरह का सीन है गाइस, बल्कि पूरे एशिया के बंदा बहुत पहले से बस की लिस्ट में नंबर 1 पे हो चुके हैं। इनके चैनल पर आज 41 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इनकी वीडियोस ऐसी होती है जो अपलोड होते ही मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लेती है। कैरी मिनाटी एडसेंस से इतना नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल से डिमोनेटाइज हो जाती होगी, येलो डॉलर होता होगा ज्यादातर वीडियो में रोश वाली, लेकिन फिर गेम और स्पॉन्सर से करके मामला फिट बैठ जाता होगा। इनका कई लाखों रुपए कमाते हैं, इनके कई इनकम सोर्स है जहाँ से करीब महीने का मैं आपको बता दूं 80 लाख से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं और ये बहुत सारी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी है और ये पर स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपए तक के चार्ज करते हैं। और वहीं अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो कैरी मिनाटी यानी कि अजय नगर की नेटवर्क आज 2024 में 8 मिलियन यूएस डॉलर तक के पहुंच गई है जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 64 करोड़ रुपीस होते हैं, यानी कि 64 करोड़ रुपए। तो गाइस अब आप गाइस ये देखिए जाएगा टॉप 20 यूट्यूबर्स मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक कलेक्शन में भी द नेक्स्ट वीडियो बाय गाइस। लेकिन आज के जोड़ा इतना ही, ये वीडियो थी जेएस ऑल इन वन की, इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो आकर मिलते हैं, बाय बाय, और चल जाते सो स्ट्रांग ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी।